हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्लीज कंफर्म करिए मेरी आवाज आप तक आ रही है। जल्दी से आप लोग कनेक्ट हो जाइए। चेस वाइब्स, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग डियर, वेरी गुड इवनिंग डियर। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, हमारी जो थ्योरी क्लास थी उसमें हमने बात की थी, जो भी हमारे सेमी सॉलिड्स हैं उनके बारे में बात की थी। देन आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे जो भी हमारे सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म से जो भी हमारे एमसीक्यूज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन सकते हैं या फिर जो आए हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू डियर, वेरी गुड इवनिंग। तो चलिए, आज की जो हमारी फार्मास्यूटिक्स क्लास है सेमी सॉलिड, उसका सबसे पहला क्वेश्चन है, वूल फैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, वूल फैट को हम और क्या कहते हैं। ऑप्शन है हमारे, पहला ऑप्शन है हमारा एनहाइड्रस लेनोलिन, क्या है एनहाइड्रस लेनोलिन। सेकेंड वन इज लेनोनिन, थर्ड वन इज पेट्रोलेटम, फोर्थ वन इज नन ऑफ दी अबव, फोर्थ वन इज नन ऑफ दी अबव। जल्दी से आंसर दीजिए इसका कमेंट बॉक्स में। पेट्रोलेटम को हम सॉल्ट पैराफिन भी बोलते हैं, ठीक है, पेट्रोलेटम को ही हम सॉल्ट पैराफिन भी बोलते हैं। और जो हमारा एनहाइड्रस लेनोलिन है, कौन सा एनहाइड्रस लेनोलिन, इसी को हम क्या बोलते हैं, वूल फैट भी बोलते हैं। एनीवन? यस डियर, बी, यस बी इज द करेक्ट आंसर, लेनोलिन, दैट्स करेक्ट आंसर। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन क्या है हमारा, ये क्या होता है, मेनली सीप जो होती है जिसको भेड़ भी बोलते हैं हिंदी में, उसके क्या होता है, मेनली उसी से ऑप्टेन होता है, कौन हमारा, जो लेनोलिन होता है। और जो मेन आपका क्या है यहाँ पे, नॉट मोर देन 0.25% वाटर कंटेंट, ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, जो वाटर कंटेंट है आपका 0.25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देन ऑइंटमेंट में हमने बात की थी कि जो भी हमारा एज ए व्हीकल काम करता है उसको हम ऑइंटमेंट बेस बोलते हैं, तो कई सारे थे, वाटर सॉल्युबल था, वाटर वॉशेबल था, ओलेजिनस था। तो ये हमारा किस में आ रहा है, ये हमारा किस में आ रहा है, ये हमारा आ रहा है ओलेजिनस में आ रहा है। तो इसमें हमारा क्या है, और इट इज ए वैक्स सिक्रेटेड बाय द सीबीसीएस ग्लैंड, सीबीसीएस ग्लैंड ऑफ वूल बियरिंग एनिमल्स, जो भी हमारे एनिमल्स हैं, जैसे कि आपका सीप ही हो गया, तो क्या है, वूल बियरिंग है, यानी कि उसमें क्या होता है आपका, ऊन होता है, ठीक है, ऊन होता है, तो वो क्या होता है, इसी में जो आपका सीबेसियस ग्लैंड है वहां से ये आपका सिक्रीट होता है। देन सिनोनिम इसका क्या है, वूल फैट, सिनोनिम आपका इंपॉर्टेंट है, सिनोनिम ध्यान रखिएगा। देन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कंसिस्टेंसी ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म की बात हो रही है, इज मेजर्ड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट, यानी कि जो भी हमारी सेमी सॉलिड डोजेस की कंसिस्टेंसी है, जो भी सेमी सॉलिड डोजेस की कंसिस्टेंसी है उसको किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम मेजर करते हैं, विस्कोमीटर, पीएच मीटर, कंसिस्टोमीटर या पेनेट्रोमीटर। जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि कंसिस्टेंसी किसी भी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म की हम किस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं। एनीवन कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। नहीं डियर, ए आपका नहीं होगा, विस्कोमीटर नहीं है, पीएच मीटर जो होता है आपका सोरेनसन अपरेटस होता है, सोरेनसन स्केल होती है, उसके थ्रू मेजर किया जाता है। नहीं डियर, विस्कोमीटर नहीं, आपका जो होता है पेनेट्रोमीटर के थ्रू, ये क्या होता है, पेनेट्रोमीटर के थ्रू चेक किया जाता है, ठीक है। अब जो पेनेट्रोमीटर है, ठीक है, पेनेट्रोमीटर क्या, ये इंपॉर्टेंट ही है, कंफ्यूजिंग भी है, ठीक है डीजे डियर, आपका वॉइस स्लो है, ठीक है, यस डियर, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप एग्जांपल्स जरूर इसके याद रखिए कि कौन कौन से आपके इंस्ट्रूमेंट हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि इसमें यूज होते हैं। तो अगर हम बात करें कि कंसिस्टेंसी को मेजर करने के लिए या फिर कंसिस्टोमीटर का, तो कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए एनीवन कि कौन सा आपका इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपका कंसिस्टेंसी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। एनीवन कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए उस इंस्ट्रूमेंट का नाम, कंसिस्टोमीटर का नाम, एनीवन। चलिए ठीक है, आपका जो कॉमन है जो कि यूज होता है, बूस्ट विक,
कंसिस्टोमीटर मेनली इसका यूज किया जाता है जो भी फ्लो ऑफ लिक्विड है वो उसकी कंसिस्टेंसी को मेजर करने के लिए, कौन सा, बूस्ट विक कंसिस्टोमीटर। चलिए नेक्स्ट आता है क्या, मस्कारा जो कि आपका एक कॉस्मेटिक प्रिपरेशन है, कौन सा मस्कारा जो कि आपकी कॉस्मेटिक प्रिपरेशन है वो आपके किस पार्ट पे अप्लाई की जाती है, आई के किस पार्ट पे वो अप्लाई की जाती है। ऑप्शन है आईलिड्स, आईलेसेस, आईलेसेस, आईब्रो, ऑल ऑफ दीज। एक बार बॉयज से ये गलत हो सकता है बट मैं उम्मीद करता हूं कि गर्ल्स से तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, श्याम नादान, आई आईलिड्स नहीं बच्चे, आपका आईलिड्स नहीं, आई लेसेस जो होते हैं मेनली ये इस पे अप्लाई किया जाता है, वो आपका थोड़ा इनकरेक्ट था। बट ये जो आपके हेयर्स होते हैं जो कि आपकी आईलिड्स पलक होती है उसके ऊपर जो होता है उसके ऊपर मेनली ये अप्लाई किया जाता है। देन आप देखेंगे इसमें मस्कारा इज कॉमनली आई लेसेस पे ये अप्लाई किया जाता है। एंड इट में इसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो कौन सा होता है, मेन होता है इसमें कार्बन ब्लैक, वो होता है आयरन ऑक्साइड पिगमेंट, जो कि आपका पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, पूछा भी गया है कि मेन जो कॉम्पोजिशन होता है, ये क्वेश्चन जो है आपका काजल बरी, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए, हाँ बच्चे जरूर, बट कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि हाँ आपके आई लेसेस हैं, बॉयज आई लिड्स आप मत लगा देना। ठीक है, चलो मेन आपका क्या है इसमें कॉम्पोजिशन, कार्बन ब्लैक है और आयरन ऑक्साइड पिगमेंट है, और मेन क्या होता है इसमें डार्क और थिकेंड आपका प्रोवाइड करने के लिए इसमें यूज किया जाता है। और कौन कौन से आपके इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, इसमें आपका मेनली प्रिजर्वेटिव यूज होता है, थिकनिंग वैक्स, पेट्रोलेटम, मिनरल ऑयल्स, ये सारे आपके यूज होते हैं कार्नोवा बैग्स। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मस्कारा प्रिपरेशन इज अवेलेबल इन फॉर्म। अब एक और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बॉयज के लिए कि किस प्रिपरेशन में ये अवेलेबल होता है, कौन कौन से फॉर्म में, ऑप्शंस क्या क्या है हमारे, लिक्विड, क्रीम, केक, ऑल ऑफ दी अबव। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, किशोर कुमार, कार्बन ब्लैक, यस डियर। एनीवन, लिक्विड, क्रीम, केक, ऑल ऑफ दी अबव। प्रगति सिन्हा, ऑल, यस डियर, ऑल ऑफ दी अबव। जो आपके मेनली जो मस्कारा होता है आपके ये लिक्विड और केक फॉर्म, ये सारे फॉर्म में मेनली अवेलेबल होते हैं, जब बट जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो होता है लिक्विड इन ए ट्यूब, मेनली लिक्विड इन ए ट्यूब फॉर्म में यूज होता है। अब इसके बनाने के मेथड्स पे भी हम थोड़ा बात कर लेते हैं, दो डिफरेंट मेथड होते हैं, एक होता है आपका इमल्शन मेथड, सेकेंड वन होता है, फर्स्ट वन है आपका एनहाइड्रस मेथड, सेकेंड वन होता है आपका कौन सा, इमल्शन मेथड। एनहाइड्रस मेथड में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं, इंग्रेडिएंट्स जो है उसको फर्स्टली हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, देन हीट, देन एजिटेट, देन जो भी उसका सुटेबल डोजेस फॉर्म है हम उसको उसमें फॉर्म करेंगे, उसमें बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, इमल्शन मेथड। इमल्शन मेथड में हम क्या करते हैं, वाटर और जो भी हमारा थिकनर है उसको हम कंबाइन करते हैं, देन वैक्स और इमल्सिफायर को हम मिक्स करके हीट करते हैं, और मोस्ट कॉमनली आपका क्या है, लिक्विड इन ए ट्यूब यूज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ स्टियरिक एसिड इन वेनिसिंग क्रीम। इंपॉर्टेंट है स्टियरिक एसिड का वेनिसिंग क्रीम में क्या यूज होता है, पहले तो ये जान लेते हैं वेनिसिंग क्रीम जो हमारी है वो वाटर इन ऑयल है या फिर ऑयल इन वाटर है। तो जो वेनिसिंग क्रीम है हमारी क्या है, ऑयल इन वाटर है, यानी कि वाटर इसमें क्या है, कंटिन्यूअस फॉर्म में है, कंटिन्यूअस फॉर्म में है। चलिए और ऑप्शंस क्या क्या है हमारे, ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करने के लिए, कंसिस्टेंसी को इंक्रीज करने के लिए, इंक्रीज वाइट शाइनिंग एंड मेंटेन स्टिफनेस। चंद्रकांता शर्मा, नोटिफिकेशन या, हाँ डियर आज कुछ नेटवर्क इशू था इस वजह से नोटिफिकेशन प्रायर आपको नहीं मिल पाया। ठीक है, ऑयल इन वाटर, अमरीश कुमार, वेरी गुड डियर। ठीक है, बट क्वेश्चन क्या है, स्टेरिक एसिड आपका किस पर्पस से यूज होता है, एनीवन, यस डियर, करेक्ट आंसर इज बी,
इंक्रीज कंसिस्टेंसी, इंक्रीज कंसिस्टेंसी। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्या है मेन इंग्रेडिएंट किसका होता है आपका, जो आपका वेनिसिंग क्रीम होता है उसमें क्या होता है, स्टीयरिक एसिड होता है, और फंक्शन क्या होता है इसका, कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करने के लिए। देन एज ए ह्यूमेक्टेंट इसमें क्या क्या यूज किया जाता है, हमारा ग्लिसरीन जो कि मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है, सॉर्बिटॉल, पीईजी, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, सॉरी पीजी, एंड एल्काइंस में आपके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज होते हैं, और ये क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी विदाउट प्रोवाइडिंग हेरेसनेस वो उसमें प्रोवाइड करते हैं। देन लास्ट वन आता है आपका क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपका क्या है, एल्कलीज हैं जो कि इसमें यूज होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू कंपाउंड बेंजोइक एसिड ऑइंटमेंट, बीपीसी। ठीक है, बेंजोइक एसिड ऑइंटमेंट से आपका कौन सा इसमें जो प्रॉपर्टी है वो यूज होता है। ऑप्शन क्या है आपके, एंटी फंगल ऑइंटमेंट, सेकेंड वन आपके क्या है, व्हाइट फील्ड ऑइंटमेंट, थर्ड वन कीराइटोलिटिक, एंड फोर्थ वन आपका क्या है, ऑल ऑफ द अबव। कीराइटोलिटिक हमारे वो होते हैं जो कि कीराटिनिन या फिर स्किन के जो शेडिंग कराते हैं, जो भी कीराटिनिन है उसको रिमूव कराने में हेल्प करते हैं, क्या करते हैं, रिमूव कराने में हेल्प करते हैं। देन इसका आंसर बताइए जल्दी से एनीवन। एंटी फंगल ऑइंटमेंट वो होते हैं जो आपके फंगल इन्फेक्शंस में मेनली यूज किए जाते हैं, जिसमें आपका कीटोकोनाजोल, मिकोनाजोल, ये सारे आपके यूज होते हैं। एनीवन, यस डियर, व्हाइट फील्ड ऑइंटमेंट इज द करेक्ट आंसर। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं, व्हाइट फील्ड जो आपका ऑइंटमेंट होता है इसमें मेनली जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जो मेन आपका इंग्रेडिएंट होता है, 3% सैलिसिलिक एसिड और 3% आपका बेंजोइक एसिड यूज होता है, जो कि काम करता है एज ए वीक एंटी फंगल एजेंट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, डर्मेटोफाइट्स इन्फेक्शंस में क्या होता है, ये मेनली क्या होता है, इफेक्टिव होता है। देन टॉपिकल हम एंटी फंगल की बात करें तो उसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके, जिसमें आपका बिफोनाजोल है, इकोनाजोल एंड क्लोट्रिमाजोल है। देन टॉपिकल एंटी फंगल जो होते हैं, हैव नो प्लेस इन द मैनेजमेंट ऑफ टीनिया कैपेटिस। टीनिया कैपेटिस एक टाइप का आपका फंगल इन्फेक्शन है जो कि मेनली स्कैल्प में होता है, हेड में होता है। इसमें क्या होता है कि पैचेस फॉर्म हो जाते हैं और वहां पे क्या होता है, आपका हेयर लॉस होता है, तो वो आपका इसका कॉजेटिव एजेंट है टीनिया कैपेटिस। चलिए नेक्स्ट आता है आपका क्या, बीज वैक्स बोरेक्स क्रीम इज सिनोनिम ऑफ। जो बीज वैक्स बोरेक्स क्रीम है, कौन सी बीज वैक्स, इसका आपका बायोलॉजिकल बॉटेनिकल सोर्स भी आपका पूछा हुआ है। ठीक है, एपिस इंडिका या फिर एपिस मेलिफेरा के हनीकॉम्ब से ये मेनली ऑब्टेन होता है। और जब भी आप लिखना, अगर एग्जाम में भी लिखना, अगर कोई सेमेस्टर के लिए भी आप लिखना, तो पूरा लिखना, केवल एपिस इंडिका मत लिखना, पूरा उसका हनीकॉम्ब से ये मेनली ऑब्टेन होता है। देन ऑप्शन क्या क्या है हमारे, वेनिसिंग क्रीम, सिनोनिम क्या होता है बीज वैक्स बोरेक्स क्रीम का, वेनिसिंग क्रीम, कोल्ड क्रीम, सिट्रीमाइड क्रीम एंड ऑल पर्पज क्रीम। यस डियर, करेक्ट आंसर इज कोल्ड क्रीम। कोल्ड क्रीम में जो ये होता है मेनली आपका स्टेरिक एसिड यूज होता है, किस लिए यूज होता है आपका, जो कि कोल्ड क्रीम में क्या होता है मेनली ये वाटर इन ऑयल टाइप का होता है। वाटर जो होता है आपका क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस, वाटर क्या होता है इसमें मेनली डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, किसमें, कोल्ड क्रीम में, बीज वैक्स, ध्यान दीजिए मैं बीज वैक्स बोरेक्स क्रीम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है मेन, आप कोल्ड क्रीम में ये एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह काम करता है, कौन सा आपका, बीज वैक्स बोरेक्स, इसको हम और भी क्या कहते हैं, सोडियम बोरेट या फिर टेट्रा सोडियम बोरेट भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए, इमल्सिफाइंग ऑयल्स एंड बटर्स इन बोथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोल्ड क्रीम इज एन ऑइंटमेंट बट मे बी क्लासिफाइड एज। कोल्ड क्रीम जो होती है मेनली आपकी ऑइंटमेंट, ठीक है, बट इसको और भी किस में हम क्लासिफाइज कर सकते हैं, बेस के अकॉर्डिंग, कि कौन सा बेस हमारा इसमें यूज होता है, तो उसमें हम बात करते हैं, एब्जॉर्प्शन बेस की। सेकेंड वन है आपका कौन सा,
वॉटर सोल्यूबल बेस, थर्ड वन ओलिजिनस बेस, इसको हाइड्रोकार्बन बेस भी बोलते हैं, और ये क्या होता है आपका हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, देन इमल्सन बेस। इसमें करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए कौन सा होगा, एनीवन? कोल्ड क्रीम इज एन ऑइंटमेंट बट मे बी क्लासिफाइड एज, इसमें करेक्ट आंसर है आपका ओलिजिनस बेस, क्योंकि कोल्ड क्रीम क्या है आपका हाइड्रोकार्बन, ओलिजिनस बेस किसका एग्जांपल है, आपके जो हाइड्रोकार्बन बेस हैं जो कि क्या होते हैं आपके ग्रीसी इन नेचर होते हैं, और आपका किस टाइप का आपका क्रीम फॉर्म करते हैं, वाटर इन ऑयल टाइप का आपका क्रीम फॉर्म करते हैं। एक्सप्लेनेशन चलिए देखते हैं, ओलिजिनस बेस में क्या होता है मेनली हाइड्रोकार्बन से डिराइव्ड होते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन में कौन आ जाते हैं, हमारे पेट्रोल एटम्स आ जाते हैं जिनको हम हाइड्रोकार्बन बेस भी बोलते हैं, ये मेनली क्या होते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। अब वाटर इनसॉल्युबल होते हैं इसी वजह से ये क्या होते हैं ग्रीसी होते हैं, और वाटर सॉल्युबल नहीं होते। वाटर में अगर आप इसको वॉश करेंगे कहीं अप्लाई करने के बाद तो ये क्या करेंगे क्या होंगे वॉश आउट नहीं होंगे, इमोलियंट इफेक्ट की वजह से यूज होते हैं। ये क्या करेंगे जब भी आप स्किन पे अप्लाई करोगे तो ये एक थिन लेयर फॉर्म करेंगे और जो भी मॉइस्चर है उसको रिमूव होने से प्रिवेंट करेंगे, क्योंकि अगर सर्दियों में देखेंगे आप क्या होता है मेनली कोल्ड क्रीम यूज करते हैं तो उसका मेन पर्पज यही होता है कि स्किन को ड्राई होने से प्रिवेंट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोल्ड क्रीम फेज कंटेनिंग लॉन्ग चेन एल्कोहल और एस्टर और एसिड वाइल ऑइंटमेंट कंटेनिंग, ठीक है। कोल्ड क्रीम फेज कंटेनिंग लॉन्ग चेन एल्कोहल और एस्टर और एसिड वाइल ऑइंटमेंट कंटेनिंग, वही क्वेश्चन है, थोड़ा उसको घुमा के पूछा है कि मतलब कौन सा आपका उसमें बेस है, हाइड्रोकार्बन है या फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स में आएंगे, रेजिन या फिर फैट। इसमें आपका होगा हाइड्रोकार्बन, क्योंकि जो हमने ओलिजिनस बेस की बात की थी तो उसमें मेनली हमारे क्या थे हाइड्रोकार्बन आ रहे थे, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, इट कंटेन्स लॉन्ग चेन एल्कोहल सच एज एसिटाइल एल्कोहल, स्टीराइल एल्कोहल और समटाइम्स ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड इन ओलिजिनस बेस, जो कि आपके किसके एग्जाम्पल हैं, जो भी आपके हाइड्रोकार्बन हैं ओलिजिनस बेस के एग्जाम्पल हैं जो कि कोल्ड क्रीम में यूज होते हैं। प्रैक्टिडियर फैटी कंपोनेंट नहीं आपका ये होगा हाइड्रोकार्बन में, ठीक है, यस डियर हाइड्रोकार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जीरो जेल्स आर, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, फार्मासिस्ट में भी आया है कि जीरो जेल्स मेनली क्या होते हैं। तो जीरो जेल्स क्या होते हैं, सॉलिड जेल विथ लो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट कंसंट्रेशन जिसमें लो हो, सॉलिड जेल विथ हाई सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, सॉलिड जेल विथ लेस क्रॉस लिंकिंग, सॉलिड जेल विदाउट सॉल्वेंट या फिर विदाउट लिक्विड। जीरो जेल्स ये वर्ड ही खुद में डिफाइन कर रहा है कि जीरो यानी कि जिसमें कोई भी आपका लिक्विड नहीं है, ठीक है, किसी भी कोई भी उसमें लिक्विड नहीं है। चलिए ये आपके कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं जीरो जेल्स की, ये क्या होता है आपका सॉलिड फॉर्म जेल होता है। अब सॉलिड फॉर्म जेल इसलिए होता है क्योंकि जो इसमें लिक्विड पोर्शन है पार्ट है वो क्या हो चुका है रिमूव हो चुका है। ब्रिंग प्रिपेयर थ्रू ड्राइंग स्लोली एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। देन इसमें जो इंपॉर्टेंट है इम्बिबिशन है, इसमें क्या है कि विदाउट एनी मेजरेबल अमाउंट कितना वो वॉल्यूम होल्ड कर पा रहा है, ठीक है। स्वेलिंग में क्या होता है कि कितना वो क्या हो रहा है जेल कितना इंक्रीज इन वॉल्यूम, कितना भी वो आपका लिक्विड क्या कर रहा है इंक्रीज कर पा रहा है। सिंथेसिस जो कि आपका पूछा हुआ है वो इम्पोर्टेंट भी है, इसमें क्या होता है कि जो भी आपका डिस्पर्जन मीडियम है यानी कि जो कंटिन्यूस फेज है वो क्या हो जाता है लूज आउट हो जाता है ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, और जेल क्या होती है श्रिंक हो जाती है, किसमें सिंथेसिस में। और लास्ट आपका क्या है जीरो जेल है, जिसमें क्या होता है व्हेन लिक्विड इज रिमूव फ्रॉम ए जेल ओनली फ्रेमवर्क इज देयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोल टार ऑइंटमेंट, कोल टार ऑइंटमेंट इज विच टाइप ऑफ ऑइंटमेंट, कोल टार ऑइंटमेंट जो होता है आपका वो मेनली आपका किस टाइप का ऑइंटमेंट होता है। ऑप्शन है हमारे किराइटोप्लास्टिक, किराइटोलिटिक, पैरासिटिसाइड, एंटीफंगल, जल्दी से इसका आंसर दीजिए।
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा केवल कोल टार है। कई बार आप देखेंगे कि स्कैल्प पे अप्लाई करने वाले जो शैम्पूज होते हैं उसमें भी आपका कोल टार होता है, बट उसके साथ आपके एंटी फंगल एजेंट भी यूज होते हैं। करेक्ट आंसर है आपका किरेटो प्लास्टिक, किरेटो प्लास्टिक। चलिए अब बात करते हैं किरेटो प्लास्टिक क्या होते हैं। कोल टार मेनली क्या होता है, ये थिक डार्क लिक्विड होता है और बाई प्रोडक्ट होता है किसका, कोक या फिर जो कोल गैसेस होते हैं उनसे ये मेनली ऑब्टेन होता है। किससे, कोल गैसेस से, या कोल गैसेस फ्रॉम कोल, उससे ये ऑब्टेन होता है। ठीक है, मेडिकल और बोथ इंडस्ट्रियल इसका यूज होता है। मेडिसिनली इसमें क्या होता है, स्किन को सोरियसिस से ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं किसको, कोल टार में। यस डियर कृष्णा यादव, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है कि कोल टार किस शेड्यूल में आता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मच परसेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बोरेक्स, हाउ मच कंसंट्रेशन ऑफ बोरेक्स शुड बी यूज इन कोल्ड क्रीम, कोल्ड क्रीम में मेनली आपका बोरेक्स का कंसंट्रेशन कितना होगा। ऑप्शन है आपका 0.5% टोटल फॉर्मूले का, 5-6%, 2% एंड 2.5%। एनीवन जल्दी से आंसर दीजिए इसका। डियर करेक्ट आंसर इज बी, 5-6% ऑफ टोटल फॉर्मूला। 5-6% जो भी आपका बोरेक्स यूज होता है कोल्ड क्रीम में, उसका 5-6% ये मेनली यूज होता है। जागृति एनिजाओ, सोरियसिस मीन्स, बच्चे सोरियसिस एक आपका क्या होता है, मेनली स्किन डिजीज होती है। इसमें क्या होता है, स्किन से आपके जो भी सेल्स हैं वो रिमूव होते हैं, आपका इचिंग और रेडनेस ये सारे उसके सिम्टम होते हैं। और क्या होता है, ये सेल्फ इम्यून, कई बार क्या होता है कि जो इम्यून सेल्स हैं वो खुद से ही बॉडी को क्या करती हैं, डैमेज करना शुरू करती हैं। स्किन के कोरिलेशन में बात कर रहा हूँ, तो ये मेनली आपका क्या करते हैं, सोरियसिस डिजीज कॉज करते हैं। चलिए 5-6% टोटल फॉर्मूले का। नेक्स्ट आता है आपका क्या, विच वेजिटेबल ऑयल इज मोस्टली यूज इन लिपस्टिक, अगेन विच वेजिटेबल ऑयल इज मोस्टली यूज इन लिपस्टिक। ऑप्शन क्या है आपका, पीनट ऑयल, कैस्टर ऑयल, लिक्विड पैराफिन एंड आलमंड ऑयल। एनीवन जल्दी से आंसर दीजिए इसका। लिपस्टिक में कौन सा आपका वेजिटेबल ऑयल यूज होता है, ऑप्शन से आपके पीनट ऑयल, कैस्टर ऑयल, लिक्विड पैराफिन, आलमंड ऑयल। अशोक जंगीर, यस डियर इसमें आपका करेक्ट आंसर है कैस्टर ऑयल। अब चलिए बात करते हैं कैस्टर ऑयल के बारे में थोड़ा। कैस्टर ऑयल क्या होता है, रिसिनस कमनिस इसका जो होता है बॉटेनिकल नेम होता है। इसकी फैमिली कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में जल्दी से। इसकी फैमिली भी पूछी हुई है, एग्जाम में ये आया हुआ है इसकी फैमिली से रिलेटेड। एनीवन फैमिली इसकी क्या है, फैमिली और मेन इसका एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि इसमें मेनली प्रेजेंट है, रिसिनोइक एसिड जो होता है मेनली इसमें प्रेजेंट होता है। फैमिली होती है इसकी U4BAC। ठीक है, और मेन क्या है आपका, सीड ऑफ द कैस्टर प्लांट। ठीक है, जिसमें क्या होता है आपका, रिसिनस कमनिस से मोस्टली ये ऑब्टेन होता है। ये आपका डायग्राम है, जो भी ये कैस्टर यूजुअली आपने इसको देखा ही होगा, लोकली प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन डिफरेंस बिटवीन क्रीम्स एंड ऑइंटमेंट, क्रीम्स और ऑइंटमेंट के बीच में जो मेजर डिफरेंस होता है, मेन डिफरेंस होता है वो क्या होता है। ऑप्शन है हमारे, क्रीम जो होती है वो क्या होती है, थिकर होती है एज कम्पेयर टू ऑइंटमेंट, या फिर ऑइंटमेंट हमारे थिकर होते हैं एज कम्पेयर टू क्रीम। थर्ड वन है क्या, क्रीम आर इमल्सन्स वेयर एज ऑइंटमेंट आर सस्पेंशन।
None of the above. सूरज अली से बच्चे को ग्नोसी नहीं चल रहा है, बट बीच में अगर कोई आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आ जाता है तो वो डिस्कस कर लिया जाता है, ठीक है। एनीवन आंसर दीजिए बच्चों जल्दी से। करेक्ट आंसर है आपका बी, ऑइंटमेंट जो होते हैं थिकर होते हैं एज कंपेयर टू क्रीम। क्या ऑइंटमेंट जो होते हैं एज कंपेयर टू जो क्रीम होती है आपके, थिकर होते हैं। ऑइंटमेंट बनाने के मेनली चार मेथड्स होते हैं जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, फ्यूजन था, ट्रैचुरेशन था, केमिकल था और डाइल्यूशन मेथड था, जिसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा था, फ्यूजन था, और आपका कौन सा था, केमिकल मेथड्स भी था, जिसमें हम किसमें आयोडीन की बात कर रहे थे कि आयोडीन नॉर्मली जो वाटर होता है, ऑयल होता है, उसमें सॉल्युबल नहीं होता, पोटेशियम आयोडाइड में ये सॉल्युबल होता है। देन हम उसको जो भी बेस है उसमें हम उसको मिक्स करते हैं, ठीक है। और डाइल्यूशन जो बर्न के केस में हम ऑइंटमेंट यूज करते हैं ताकि क्या हो, एक प्रॉपर हम पतली लेयर लगा सकें, किसी भी तरीके की फ्रिक्शन की जरूरत ना पड़े पेशेंट में, इसलिए हम मेनली उसमें डाइल्यूशन कराते हैं। लाइक मेफेनाइड हुआ आपका, सिल्वर सल्फर सिल्वर कंपोनेंट्स हुए, जो भी सिल्वर डेरिवेटिव्स हैं वो सारे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिजर्वेटिव आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सेमी सॉलिड। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा आपका प्रिजर्वेटिव है जो कि सेमी सॉलिड्स में यूज किया जाता है, प्रोटामीन, क्लोवायल, चीटोसिन। प्रोटामीन क्या होता है, आपकी प्रोटीन होती है, सिंपल प्रोटीन होती है जो कि फिशेस के स्पर्म में प्रेजेंट होती है। क्लोवायल यूजेनिया कैरियोफाइलस फैमिली मिर्टेसी, ठीक है। थर्ड वन चीटोसिन, चीटोसिन क्या होता है आपका, टाइप ऑफ पॉलीसेक्राइड है, मेनली जो आपके लोबेस्टर होते हैं, क्रैब्स होते हैं, उनके ये आउटर सेल में ये प्रेजेंट होता है चीटोसिन। देन आता है आपका मिथाइल पैराबीन, मिथाइल पैराबीन इज द करेक्ट आंसर। यस डियर, मिथाइल पैराबीन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ये एक्सप्लेनेशन चलिए हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। इसमें मेनली क्या है, ऑक्सीडेशन और द ग्रोथ ऑफ मोल्ड, मेनली क्या कराते हैं, केमिकल चेंजेस कराते हैं सच एज ऑक्सीडेशन या फिर ग्रोथ ऑफ मोल्ड, कौन आपके जो भी आपके माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है। अब जो केमिकल नेक्स्ट आता है क्या, प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या कराते हैं, स्टेबिलिटी को इंक्रीज कराते हैं। प्रिजर्वेटिव क्या कराते हैं, किसी भी तरीके की माइक्रोबियल ग्रोथ को होने से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। देन डिक्रीज और लोअरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिव, ऑक्सीडेशन के चांसेस को कम करते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, अगर ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन की या फिर हम ऑप्थेल्मिक ड्रग्स की बात करें तो हम एज ए प्रिजर्वेटिव मोस्ट वाइडली कौन सा कंपोनेंट यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। एनीवन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में मेनली कौन सा यूज करते हैं और किस कंसंट्रेशन में यूज करते हैं। पहले तो ये पूछता था कि कौन सा आपका प्रिजर्वेटिव यूज होता है, बट अब जो कॉमन हो गया तो अब पूछता है मेनली कि किस कंसंट्रेशन में यूज होता है। एनीवन, यस डियर, बेंजल कोनियम क्लोराइड करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जनरली पेस्ट कंटेन, पेस्ट जो होता है आपका क्या होता है मेनली, उसमें मैंने कंसंट्रेशन भी पूछी थी बच्चों, बट अभी तक किसी ने कंसंट्रेशन नहीं भेजा कि किस कंसंट्रेशन में आपका बेंजल कोनियम क्लोराइड यूज होता है। चलिए अमरीश कुमार रॉन्ग, 0.01 रॉन्ग। एनीवन, कोई नहीं भेज रहा इसका कंसंट्रेशन, कितनी कंसंट्रेशन है, 0.02, वेरी गुड डियर, 0.02%। जनरली पेस्ट जो होते हैं हाईली परसेंटेज ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं, लो परसेंटेज ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स, सेकेंड वन बोथ ए एंड बी, लास्ट वन इज डी, नन ऑफ दीज, सरल, यस डियर, 0.02%। करेक्ट आंसर इज हाई परसेंटेज ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड। अब हाई परसेंटेज ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड होने की वजह से जो भी आपके टीथ पे टूथ पे जब ये अप्लाई होंगे तो क्या करेंगे, एज ए एब्रेसिव इफेक्ट देंगे, कौन सा एब्रेसिव इफेक्ट, इसकी वजह से ये क्या करेंगे,
प्लॉक को रिमूव कराएंगे, क्या कराएंगे, प्लॉक को मेनली क्या कराएंगे, रिमूव। इसमें आपका इंपॉर्टेंट पूछता है कि फ्लोराइड कंटेंट मेनली कितना होना चाहिए, तो 1000 ppm से नॉट मोर देन 1000 ppm ये होना चाहिए किसमें, टूथपेस्ट में, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखिएगा और रिपीट भी हुआ है। चलिए, हाई परसेंटेज ऑफ अप टू 50% इसमें क्या होते हैं, आपके इनसॉल्युबल सॉलिड मेडिकामेंट, सॉलिड पार्ट्स होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन द प्रिपरेशन ऑफ वेनिसिंग क्रीम, ठीक है, वेनिसिंग क्रीम जो कि आपकी क्या है, ऑयल इन वाटर है, वेनिसिंग क्रीम, विच टाइप ऑफ बेसिस आर यूज जनरली, मेनली किस टाइप के आपके बेस उसमें यूज होते हैं, एब्जॉर्प्शन बेस, वाटर रिमूवल बेस, हाइड्रोकार्बन बेस, नन ऑफ दीज, एनीवन, वाटर रिमूवल बेस, यस डियर, वेरी गुड, आपका क्या है, वाटर रिमूवल बेस। चलिए एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं, वेनिसिंग क्रीम क्या होती है, जैसे कि इसकी नाम ही बता रहा है कि आफ्टर यूज ये क्या होती है, दिखाई नहीं देती, वेनिस हो जाती है, मतलब कि गायब हो जाती है, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई ट्रेस नहीं होता जब इसको क्या करते हैं, स्किन पे हम प्रॉपरली रब करके यूज करते हैं। ऑयल इन वाटर, ये आपका इंपॉर्टेंट है कि किस टाइप की है, ऑयल इन वाटर टाइप की है, वाटर इसमें आपका कंटिन्यूअस फेज है और जो ऑयल है वो क्या है आपका डिस्पर्स फेज है, ठीक है। लास्ट परसेंटेज ऑफ वाटर, और यही रीजन है कि ये नॉन ग्रीसी होते हैं और वाटर के साथ वॉश करने पे ये क्या हो जाते हैं, वॉश आउट हो जाते हैं, ठीक है, एंड स्टीयरिक एसिड और अदर ओलिजिनस कंपोनेंट्स। नेक्स्ट आपका है क्या होता है, ये बींग वॉश फ्रॉम स्किन, ठीक है, ये मैंने डिस्कस कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन द प्रिपरेशन ऑफ कोल्ड क्रीम विच टाइप ऑफ बेसिस आर जनरली यूज, कोल्ड क्रीम के प्रिपरेशन में मेनली हम किस टाइप के बेस का यूज करते हैं, ऑप्शन से हमारा क्या, एब्जॉर्प्शन बेस, वाटर रिमूवल बेस, हाइड्रोकार्बन बेस, नॉन ऑफ द अबव, आंसर प्लीज जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। एब्जॉर्प्शन बेस आपका मतलब कई सारे क्रीम्स में एज ए व्हीकल यूज होता है, इसलिए क्या होता है कि कहीं ना कहीं इसके चांसेस, क्वेश्चन इसके बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई सेमेस्टर एग्जाम्स है तो उसमें भी ये कई बार ज्यादा पूछा जाता है। चलिए डियर कृष्णा यादव, अब आएगा सी, यस डियर, अब सी है हाइड्रोकार्बन, क्यों, क्योंकि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं आपके क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक्स होते हैं, क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं और ग्रीसी इन नेचर होते हैं, वाटर के साथ वॉश करने पे क्या होगा, वॉश आउट नहीं होगा, स्टिकी होते हैं, ग्रीसी अपीयरेंस शो करते हैं। चलिए ओलिजिनस हाइड्रोकार्बन बेस्ड, ठीक है, दिस इज ए प्यूरिफाइड मिक्सचर ऑफ सेमी सॉलिड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम रूम पेट्रोलियम, ठीक है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 19, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट, इंपॉर्टेंट है, इसमें से कौन सा, अभी मैंने डिस्कस भी किया था, कौन सा मेथड है जो आपका, यस डियर, वाटर इन ऑयल होते हैं आपके, कोल्ड क्रीम वाटर इन ऑयल ही होते हैं, कोल्ड क्रीम वाटर इन ऑयल, दैट्स व्हाई हाइड्रोकार्बन बेस, यस डियर, ठीक है। कौन सा आपका मेथड है, किसका, ऑइंटमेंट प्रिपरेशन का, ड्राई गम मेथड, वेट गम मेथड, बॉटल मेथड, फ्यूजन मेथड, यस डियर राम गोपाल प्रगति, फ्यूजन मेथड ही होता है, और फ्यूजन मेथड में क्या होता है, जो आपका जिस भी आपके कंपोनेंट का या फिर इंग्रेडिएंट का हाईएस्ट टेम्परेचर होता है सबसे पहले हम उसको मिक्स करते हैं, जिसका आपका हाईएस्ट टेम्परेचर रहता है, और जिसका लोवेस्ट टेम्परेचर होता है उसको हम लास्ट में ऐड करते हैं, ये हमने क्लास में डिस्कस किया था, इसको एक्सप्लेन प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था। विनीता कल्याणी बच्चे ए नहीं होगा, ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, फ्यूजन मेथड एक्सप्लेन भी, चलिए हम इसको अभी किए ही थे, डायग्राम देख सकते हैं आप, फ्लो चार्ट, वैक्सी बेस लिया, ठीक है, मेल्ट किया, हाईएस्ट जो होता है उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, जो भी जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाईएस्ट होता है, देन क्या करेंगे, जो भी आपका बेस है उसमें क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली मिक्स करेंगे। इसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि आपको कंटिन्यूअसली मिक्सिंग करनी होती है और टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि सबसे पहले आप हाईएस्ट जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है उसको करोगे, देन उसके बाद उससे कम मेल्टिंग पॉइंट, उससे कम, और क्या है कि आपको कंटिन्यूअसली स्टर करते रहना है, ठीक है, कंटिन्यू
कूलिंग अंडर स्टीयरिंग सॉफ्ट मास ऑफ 40, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ट्रेचुरेशन मेथड इज यूज व्हेन। ट्रेचुरेशन मेथड हम कब यूज करते हैं? मेडिकामेंट आर इनसॉल्युबल इज बेस इन बेस, मेडिकामेंट आर सॉल्युबल इन बेस, बेस इज हार्ड, बोथ ए एंड बी। यस डियर, पहले तीन ऑप्शन आपके इमल्शन के हैं, ठीक है। एनीवन इसका आंसर ट्रेचुरेशन मेथड का? यस डियर, मेडिकामेंट जब हो क्या होता है, हमारे बेस में इनसॉल्युबल होते हैं तब हम ट्रेचुरेशन मेथड यूज करते हैं। ट्रेचुरेशन मेथड का मेनली मिक्सिंग के साथ साथ एक और बेनिफिट होता है, मिक्सिंग के साथ साथ इसमें और क्या होता है, हमारा साइज रिडक्शन भी होता है। जो भी हमारा मोर्टार पेसल होता है उसमें हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो मिक्सिंग तो होती है और साथ में साथ ही साथ उसमें क्या होता है, साइज रिडक्शन भी होता है, ठीक है। चलिए ट्रेचुरेशन मेथड के बारे में चलिए देख लेते हैं, वाइडली यूज मेथड, ठीक है। ट्रेडिशनली भी ये बहुत वाइडली यूज किया जाता था, ठीक है, सेमी सॉलिड्स के लिए। देन उसके बाद क्या है आपका, एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स के लिए, ठीक है। हाँ मेनली आप क्या, ये स्मॉल अमाउंट के लिए ये यूज होता है, लार्ज अमाउंट में अगर कमर्शियल स्केल में बनाना है तब हम इसका यूज मेनली नहीं करते। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है साइज रिडक्शन, देन लेविगेशन आपका बेस के साथ मिक्स किया, स्पेचुलेशन और ट्रेचुरेशन। स्पेचुलेशन भी आपका एक मेथड है, वो भी आपका स्मॉल अमाउंट की प्रिपरेशन में ही यूज किया जाता है, लार्ज स्केल में नहीं यूज किया जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस आर ऑफन रिफर्ड टू एज ग्रीसलेस। वही बेस से ही क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, घुमा के पूछा है, ठीक है, कि ग्रीसलेस। अब ग्रीसलेस यानी कि नॉन स्टिकी, किसी भी तरीके का उसमें ऑयली ना हो, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या है, वाटर सोल्यूबल बेस, वाटर रिमूवल बेस, एब्जॉर्प्शन बेस एंड ओलिजिनस बेस। यस डियर, करेक्ट आंसर इज ए वाटर सोल्यूबल बेस, जो कि आप रामा बच्चे वाटर सोल्यूबल होगा आपका, ठीक है। इसमें क्या होता है कि किसी भी तरीके का आपका ओलिजिनस कंपोनेंट्स यूज नहीं होते। ओलिजिनस कौन से आपके, जो भी हाइड्रोकार्बन यूज हो रहे थे, लाइक आपका पेट्रोलेटम था, ये सारी चीजें, देन कंप्लीटली वाटर सोल्यूबल होते हैं और किसी भी तरीके का स्टिकी या फिर चिपचिपा जो होता है ना, आप देखोगे जैसे कोई भी आपका ऑयल वगैरह हो गया, ये सारे उस टाइप का आपका अपियरेंस नहीं देते हैं, ठीक है। यस डियर, वैनिशिंग क्रीम, वेरी गुड। देन सॉफ्ट जेल, ठीक है, लिपिड फ्री होते हैं, इनर्ट इन नेचर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर वॉशेबल ऑइंटमेंट बेस। वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपका, हाइड्रोफिलिक जो होता है वो आपके वाटर वॉशेबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, द हीलिंग एजेंट यूज इन हैंड क्रीम। ये आपका इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा एजेंट है जो आपका क्रीम्स में यूज होता है, किस लिए, हीलिंग, एज ए हीलिंग पर्पज के लिए। बीज वैक्स, सॉप पैराफिन, यूरिया, स्टीराइल एल्कोहल। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। क्रीम्स में एज ए हीलिंग एजेंट, जो भी आपकी हैंड क्रीम होती है, एज ए हीलिंग एजेंट हम कौन सा कंपोनेंट यूज करते हैं। यूरिया, क्यों? यूरिया क्या करता है, आपका जो एटमॉस्फेरिक आपका मॉइस्चर होता है उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब करता है, और जो भी हमारा स्किन है उसको क्या कराता है, नरिश कराता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या है, यूरिया। चलिए अब एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं, ठीक है। यूरिया क्या है आपका, फर्स्ट आपका लेबोरेटरी में सिंथेसाइज आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ठीक है, देन रीडली अवेलेबल होता है, ठीक है, मेन क्या है, नॉन टॉक्सिक होता है, एब्जॉर्ब एंड नॉन इरिटेटिंग व्हेन अप्लाइड ऑन वुंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट माइक्रोगोल्स आर यूज एज। जब भी हम ऑइंटमेंट की प्रिपरेशन, ऑइंटमेंट को बनाते हैं, तो जो हमारे माइक्रोजेल्स होते हैं उनका मेनली क्या यूज होता है। ऑप्शंस क्या क्या है हमारे, वाटर सोल्यूबल होते हैं, हाइड्रोकार्बन, ओलिजिनस बेस या फिर एब्जॉर्प्शन बेस।
यस डियर, करेक्ट आंसर इज ए वाटर सोल्यूबल बेस। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्यों। जो भी हमारे मैक्रोगेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेस डिपेंड ऑन क्लिनिकल इंडिकेशन ऑइंटमेंट, ठीक है, डिफरेंट टाइप। हाइड्रोकार्बन बेस की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे कौन से आते हैं, हार्ड पैराफिन आता है और सॉफ्ट पैराफिन। वाटर सोल्यूबल जो आपका मेन जो क्वेश्चन जिसकी बात कर रहे हैं, वाटर सोल्यूबल में हमारे कौन से आते हैं, मैक्रोगेल्स आते हैं। ये इसके क्या है, ग्रेड्स है 200, 300, 400, ये सारे। देन एब्जॉर्प्शन बेस में हमारा क्या है, वूल फैट है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेट लिमिटिंग बैरियर इन स्किन। कई बार पूछा हुआ है, कॉमन क्वेश्चन है कि स्किन में हमारा एज ए बैरियर कौन सी लेयर काम करती है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन क्या क्या है हमारे, स्ट्रेटम लूसिडम, स्ट्रेटम स्पिनोसम, स्ट्रेटम बेसिल और स्ट्रेटम कॉर्नियम। ये आपकी क्या है, लोवेस्ट होती है, ठीक है, सबसे नीचे ये प्रेजेंट होती है, जो भी आपकी अपर लेयर। सजला डी, स्ट्रेटम कॉर्नियम, वेरी गुड डियर। स्ट्रेटम कॉर्नियम क्या है, आपका रेट लिमिटिंग फैक्टर है स्किन का। कोई भी जो भी हमारा एब्जॉर्प्शन होता है किसी भी टाइप के क्रीम्स के लिए, एज ए बैरियर वो काम करता है, ठीक है। आइए एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। स्ट्रेटम कॉर्नियम, इसको याद रखने का तरीका मैंने पहले भी डिस्कस किया था। सीएनजी गैस जो होती है आपकी क्या है, नेचुरल गैस है मोस्ट, और क्या है, अच्छी है क्योंकि किसी भी तरीके का पॉल्यूशन नहीं है। तो CN की जगह हम CL कर देते हैं। स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लूसिडम, स्ट्रेटम आपका ग्रैनुलोसम, देन स्ट्रेटम स्पिनोसम एंड लास्ट वन क्या है, स्ट्रेटम जर्मिनेटम, या फिर इसको स्ट्रेटम बेसल भी बोलते हैं। किसको, जो लास्ट है आपका स्ट्रेटम बेसल या फिर स्ट्रेटम जर्मिनेटम। चलिए रेट लिमिटिंग फैक्टर है कौन सा हमारा, स्ट्रेटम कॉर्नियम। देन मूवमेंट ऑफ जो केमिकल सब्सटेंस है, चाहे वो इनवर्ड हो रहे हैं या फिर आउटवर्ड, उसको क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है। लार्जेस्ट आपका ऑर्गन है बॉडी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पैराफिन्स आर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्किन। में एक और पूछता है आपका, स्किन का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है। तो जो एवरेज, यस नेहा पाटिल, सीएलजी सबसे गुड, ठीक है। स्किन का जो सरफेस एरिया होता है मेनली कितना होता है, तो वो होता है आपका 1.73 मीटर स्क्वायर। ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब स्किन की बात आ गई तो डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन क्या आपका, पैराफिन और मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, पैराफिन आपके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट किसके हैं, ओलिजिनस बेस के, एब्जॉर्प्शन बेस के, इमल्सन बेस के या फिर वाटर सोल्यूबल बेस के। एनीवन, तुजा पाटिल, यस 1.72 अप्रोक्स, 1.73, ठीक है। यस डियर, ठीक है, ओलिजिनस बेस। पैराफिन जो होते हैं वो हमारे कितने, किसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, पैराफिन्स जो होते हैं वो हमारे होते हैं मेन ओलिजिनस बेस के एग्जांपल होते हैं। चार्ट को आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इम्पोर्टेंट है। इसमें जो भी हमारे ऑइंटमेंट बेस है उसको हमने डिस्कस किया है, लाइक आपका हाइड्रोकार्बन बेस जो भी है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, देन एग्जाम्पल। इसी तरीके से एब्जॉर्प्शन के दो टाइप है हमारे, पहला है हमारा एनहाइड्रस, देन हाइड्रस, उसकी फिर प्रॉपर्टीज, फिर कौन कौन से उसमें हमारे क्या आते हैं, एग्जाम्पल्स आते हैं, लाइक लेनोलिन है हमारा किसका, एनहाइड्रस का, ठीक है। तो इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इम्पोर्टेंट भी है। चलिए तो आज की क्लास में डियर स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम चलिए एक नए थ्योरी क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप बिल्कुल अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन हाई रखिए, एड्रेनलिन एकदम हाई होना चाहिए, प्रिपरेशन पीक पे होनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।